स्ट्रैटी डेवलपमेंट प्रोसेस अब ये स्ट्रैटी का हम डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर वन थिंग इज दैट द कंपनी शुड आइडेंटिफाई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कंपनी की सक्सेस जो है वो इंश्योर हो सकती है दैट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देन द कंपनी हैज़ टू बिल्ड एंड स्टाफ द ऑर्गनाइजेशन ठीक लोगों को हायर करें स्किल्ड जो जिस किस्म की स्किल चाहिए उस किस्म के स्किल के वर्कर्स को हायर करें और आ, उन से ये कंपनी को आप डिवेलप करें बिल्ड करें थर्ड इज़ के जो ओ एम के ओ एम है ऑपरेशन मैनेजमेंट वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ उसको ठीक तरीके से इंटीग्रेट कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल Uh, हो सकता है कि आपको uh, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट का कुछ काम है कुछ जॉब है वो मार्केटिंग uh, की एक्टिविटीज़ के साथ uh, ना अगर वो हो उसकी हेल्प ना हो तो वो जॉब ठीक तरह परफॉर्म नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट को इंटीग्रेट uh, ठीक तरीके से मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ के साथ होना चाहिए सो दैट दे कैन परफॉर्म एफिशेंटली एंड एफेक्टिवली और जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोड्यूस हो नाउ इफ यू लुक एट डिफरेंट स्टेप्स तो उसके अंदर फर्स्ट थिंग इज एनवायरमेंट एनालिसिस एनवायरमेंट एनालिसिस के अंदर इट इज स्वॉट एनालिसिस जो कि परफॉर्म किया जाता है वॉट इज शॉर्ट एनालिसिस इसके अंदर कंपनी के स्ट्रेंग वीकनेसिस फिर एक्सटर्नल ऑपरचुनिटीज और थ्रेट्स के हैं तो वो उसको डिटरमिन uh, किया जाता है और उसको वो देखा जाता है कि इस कंपनी के लिए हमारे पास जो हम करना चाहेंगे तो उसमें क्या हमारे स्ट्रेंथ्स हैं क्या वीकनेसेस हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं क्या थ्रेट्स नज़र आ रहे हैं तो उनको लेकर उनका एनालिसिस किया जाए ठीक है एंड देन वी आल्सो डिटरमिन कॉरपोरेट मिशन के मिशन उस कंपनी का क्या है ठीक है वाई uh, ये कंपनी एग्जिस्ट कर रही है क्यों ये ये काम करना चाहती है और इसके कस्टमर्स कौन होंगे वो सारा के सारा मिशन इस स्वाट के बाद डेवलप होगा अब फिर यू हैव टू फॉर्म अ स्ट्रेटजी टू अचीव दैट मिशन कि वो मिशन जो अचीव करना है तो उसको किस के किस स्ट्रेटजी के ज़रिए हमने ये मिशन uh, अचीव करना है तो एनवायरमेंटल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो उससे ये सारा हमारा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्म होगी स्वाट एनालिसिस के अंदर इफ वी लुक एट SWOT एनालिसिस तो उसके अंदर लाइक आई सेड देर आर इंटरनल वीकनेसेस, देर आर आर स्ट्रेंथ दीज आर ऑल इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन वेर एज देर आर एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स दीज़ आर एक्सटर्नल टू द कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरचुनिटीज़ हो सकती हैं कि जी uh, वो uh, जैसे ये सी पैक है ठीक है ना चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर ये एक ऑपरचुनिटी है ये फॉर मनी कंपनीज जो लॉजिस्टिक्स के अंदर uh, हैं और जो सप्लाई चेन वगैरह को देख रही हैं तो उनके लिए ये बड़ी ऑपरचुनिटीज़ हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपको एक्सटर्नल नज़र आ रही है अब उसके हिसाब से कंपनी की एबिलिटी है कि नहीं है टू गो इन टू दैट एरिया फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं कोई गवर्नमेंट uh, की कोई नई पॉलिसी आ रही है ज़्यादा स्ट्रेंजेंट इन्वायरमेंटल वो रूल्स और लॉज बन रहे हैं तो वो आपके थ्रेट बन सकती है uh, और कंपेटिटर्स एंटर कर रहे हैं तो वो थ्रेड के तौर पर आ सकता है इसी तरह आपके इंटरनल वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं और इन और इसके साथ जब आप अपने मिशन को लेकर आते हैं तो उससे फिर यू कैन एनालाइज एनालिसिस उसका कर करेंगे और उस एनालिसिस के बाद यू विल डेवलप योर स्ट्रेटजी तो वो फिर इस तरह ये स्ट्रेटजी आपकी डेवलप होगी